अरे अब तो सो जा यार, अब तो स्टोरी भी सुनाई, गाना भी सुनाया, अब क्या चाहिए तुझे? मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा के बिना नींद नहीं आएगी। इसका मतलब मेरी स्टोरी सुनना बेकार हो गया? मम्मा बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है। अच्छा, पहले मेरी पूरी स्टोरी सुनी उसके बाद बोला? हाँ, ये बिहेवियर करेगा तू? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ, अभी मजा आ रहा है? एक्चुअली क्या है ना, मम्मा गई है पार्टी के घर, उनका कोई जरूरी काम कर रही है, तो मम्मा को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तब तक तू सो जा, ठीक है? चल फटाफट सोने का ट्राई। परम, ये इस वक्त क्यों फोन कर रहा? हेलो, हाय रुद्र, सॉरी मैंने तुम्हें इतनी लेट कॉल किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या हुआ? वो एक्चुअली विधि तुम्हारे घर आई है क्या? क्या, विधि यहाँ? नहीं, विधि यहाँ क्यों आएगी? यहाँ है नहीं विधि। नहीं, और उसको तो यहाँ का एड्रेस भी पता नहीं होगा ना, तो पर हुआ क्या है, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो एक्चुअली विधि घर में नहीं है रुद्र। क्या? हाँ, मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है विधि, एंड आई थॉट मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, कहीं सरान से मिलने आई हो। नहीं नहीं यार, यहाँ तो नहीं आई है वो, पर तुम परेशान मत हो, मिल जाएगी। जाएगी कहाँ, आसपास ही होगी। मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे उसे। ओके, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओके बाय। क्या हुआ विधि को? यार परम अंकल का फोन आया था, विधि पता नहीं कहाँ चली गई है, और वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आई है, पर उसके पास तो एड्रेस भी नहीं होगा ना। नहीं, मैंने दिया था उसको कैंप में अपने घर का एड्रेस। अच्छा, तूने दिया था, लेकिन फिर भी वो इतनी छोटी बच्ची यहाँ कैसे पहुँच सकती है? मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने, तू सो जा। नहीं, मुझे भी आना है। तू कहाँ आएगा, मैं तुझे संभालूंगा वहाँ की, विधि को ढूंढूंगा। अरे तू कैसे? नहीं, प्लीज मुझे भी ले चलो। अच्छा चल, आ जा, चल। रुद्र, वेट, क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं तुम लोग, और बाहर कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी लेट? विधि को ढूंढने। व्हाट, विधि? परम का फोन आया था, वो विधि घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, और ये मेरे साथ जा रहा है। नो रुद्र, विधि इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ गई होगी? रुद्र, इफ यू डोंट माइंड, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं, आई मीन ज्यादा लोग होंगे तो हेल्प हो जाएगी ना ढूंढने में। हाँ ठीक है, चलो। या लेट्स गो। यार आते वक्त हर जगह देखा हमने विधि को, वो कहीं नहीं दिखी। परम, एनी आइडिया वो कहाँ जा सकती है, आई मीन कोई ऐसी जगह जहाँ वो पहले भी कभी गई हो? आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिफोर दैट, तुमने घर में अच्छे से चेक किया? 10 बार चेक किया मैंने, कितनी बार बताऊं, किया है चेक। परम मतलब सारी हाइडिंग प्लेसेस देख ली तुमने? हाइडिंग प्लेसेस क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे छुपते हैं, और उन जगहों के बारे में सिर्फ बच्चों को पता होता है। मुझे पता है। विधि के घर में तुझे कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ है? रुद्र, बच्चों को पता होता है, चाहे घर कोई भी हो, जगह ऑलमोस्ट सेम ही होती है छुपने की, सीरियसली। अब मैं बताता हूँ। पर कहाँ कहाँ चलना है हमें? सबसे पहले उसके रूम में। लेट्स गो। हाँ, गुड आइडिया। मिल गई विधि, मिल गई, मैंने कहा था ना विधि मुझे मिल जाएगी। थैंक गॉड आप मिल गए, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र एक मिनट। विधि बेटा आओ, बेबी कम। बेटा कम, आ जाओ, कम 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 आओ, इट्स ओके। यहाँ बैठो। बेटा आप ठीक तो हो ना? आप ऐसे कबर्ड में छुप क्यों गए थे? हाँ, आपको पता है हम लोगों को आपकी कितनी चिंता हो रही थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नहीं, कैसे ने नहीं ढूंढा, मेरी कोई चिंता नहीं करता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। एक मम्मी पापा थे, वो चले गए। नहीं नहीं विधि बेटा, ऐसे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम सब लोग आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ, तभी तो इतनी देर रात आपके पास आए, आपके घर, पता कितने परेशान हो गए थे हम, और परम चाचू भी कितना परेशान हो गए थे, इसीलिए इन्होंने फोन करके हमें बुलाया, पता है आपको। और हम आ गए और आपको ढूंढ भी लिया है ना,
अच्छा अभी लाइक अ गुड गर्ल हमको बताओ कि आप कबर्ड में क्यों छुपे थे? चाचू के लिए। आज मामा का बर्थडे है। अगर चाचू मुझे देख लेते तो सैड हो जाते, इसीलिए मैं छुप गई ताकि मैं रो तो आवाज ना आए। बहुत याद आ रही है मम्मा पापा की।